नाउ क्वेश्चन क्या है, हाउ टू फाइंड थ्री नंबर्स ऑफ पाइथागोरस ट्रिपलेट इफ फर्स्ट नंबर इज गिवन, फर्स्ट नंबर आप लोगों का गिवन है, आप लोगों को पाइथागोरस ट्रिपलेट निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे गिवन फर्स्ट नंबर 14 है, हमें क्या निकालना है, पाइथागोरस ट्रिपलेट निकालना है। तीन ऐसे नंबर्स निकालने हैं, एक का स्क्वायर दो की स्क्वायर के इक्वल आएगा, ठीक है ना। तो यहां पे हम लिखेंगे हियर द थ्री नंबर्स ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट आर, क्या क्या होता है जरा बोलो। 2m फर्स्ट नंबर होता है, 2m सेकंड होता है m स्क्वायर माइनस 1 एंड थर्ड नंबर होता है m square plus 1, ठीक है ना। तो फर्स्ट नंबर गिवन है, फर्स्ट नंबर 2m है, इज दिस 2m इज इक्वल टू 14, यस सर। हमारा फर्स्ट नंबर गिवन है ना, हमारा 2m गिवन है, तो हम यहां पे लिखेंगे 2m इज इक्वल टू 14। हम m का वैल्यू निकालेंगे, क्यों, मुझे सेकंड और थर्ड में अगर मुझे m का वैल्यू पता चलेगा ना क्या है, असल में मेरा यहां पे पता क्या है, 2m मुझे पता है, 2m 14 है, मगर अब मुझे सेकंड और थर्ड निकालना है, इसलिए हम यहां पे m का वैल्यू पहले निकालेंगे, ठीक है ना। तो यहां पे 2m 14 के इक्वल है, तो हम m का वैल्यू निकालेंगे, तो थ्रू आउट हम यहां पे 2 से डिवाइड करेंगे, क्यों, हमें m का वैल्यू चाहिए, तब जाके हम सेकंड और थर्ड वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो 2 and 2 gets cancel, यहां पे m is equal to 14 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो यहां पे आपका 7 आएगा, ठीक है ना। अब यहां पे मेरा m का वैल्यू 7 आया, m का वैल्यू 7 है, अब मुझे सेकंड वैल्यू चाहिए, फर्स्ट ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि नहीं है। सेकंड जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट का, पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालने के लिए सेकंड नंबर को निकालने के लिए फार्मूला m स्क्वायर माइनस 1 है, तो हम यहां पे लिखेंगे m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू, m हमारा 7 है, तो हम यहां पे 7 स्क्वायर लिखेंगे माइनस 1, दैट इज 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 14, 9 माइनस 1 दैट इज 48, दैट इज सेकंड वैल्यू, ठीक है ना। नाउ थर्ड वैल्यू क्या होगा, m स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 7 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 14, 9 प्लस 1 दैट इज 50, दैट इज 50. Now, आप लोगों का पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या है, फर्स्ट नंबर आपका गिवन 14 है, सेकंड नंबर आपका 48 है और थर्ड नंबर आपका 50 है। These are the three numbers of पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अगर आप यहाँ पे 50 का स्क्वायर लिखोगे ना, फिर इन दो को स्क्वायर निकालोगे, इसके इक्वल आएगा, ठीक है ना। Hence completes your part second of question number 2 of exercise 6.2, ठीक है ना।